हेलो फ्रेंड्स, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत दिन बाद आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरी फेवरेट डिश है। आज मैं बनाने वाली हूँ सांभर, और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियों को पहले ही कट करके रख लिया है जो मैं सांभर में यूज़ करने वाली हूँ। अभी मैंने कुछ मसाले भी निकाल के रखे हैं जो मैं सांभर में यूज़ करूँगी। मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल, और जब तेल गर्म हो जाएगा मैं उसमें डाल दूँगी थोड़ा जीरा, सरसों और मेथी। फिर मैं उसमें डालूंगी थोड़ा सा लाल मिर्च। लाल मिर्च जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं उसमें डालूंगी थोड़े से कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते को अच्छे से गर्म करने के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। प्याज फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सब्जी। अब फिलहाल मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अभी ये फ्राई हो गया है, मैं इसमें डालूंगी सब्जियां। मैंने इसमें डाला गोभी, सीताफल, आलू और थोड़ा सा बैंगन। बैंगन के बाद मैं इसमें डालूंगी लौकी। लौकी के बाद मैं लास्ट में इसमें डालूंगी थोड़े से मटर। मटर डालने के बाद एक बार मैं सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ आप तब तक जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लाती रहूँ। अभी ये मिक्स हो गया, मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े मसाले। यहाँ पर मैंने डाला हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, सांभर मसाला। आप किसी भी कंपनी का सांभर मसाला यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजली मार्केट में मिल जाएगा। अभी मैंने इसमें डाला मिर्ची पाउडर और टमाटर। एक बार मैं इसे मिक्स कर लूँगी और फिर मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रख दूँगी। ढकने के बाद उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद आपको ओपन करके दिखाऊँगी कि ये सब्जियाँ पक गई है अच्छे से और मसाले भी एक दूसरे में अच्छे से मिल गए हैं। अभी मेरे पूरे घर में सांभर की खुशबू आ रही है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से प्याज। प्याज डालने के बाद मैंने एक दाल पहले से ही रेडी करके रखा था, वो थोड़ा गाढ़ा दाल आपको लगेगा बट सांभर में गाढ़ा दाल ही यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे दाल को सब्जी में मिक्स कर दिया। बहुत लोग क्या करते हैं, सब्जी को दाल के साथ ही कुक कर देते हैं जिसके वजह से सब्जियाँ बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाती है और सब्जियों का वो टेस्ट नहीं आ पाता है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी पानी और थोड़ा सा गुड़। पानी मैंने इसमें ऐड किया है जिससे ये पतला हो जाए थोड़ा और जो सब्जियाँ कच्ची रह गई है वो भी अच्छे से पक जाए। अब और गुड़ मैंने डाला है क्योंकि सांभर खट्टा मीठा और चटपटा होता है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा इमली का पानी। पहले ये देखिए गुड़ भी अच्छे से डिसॉल्व हो गया है और सब्जियाँ भी पक गई है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी इमली का पानी, और इमली का पानी डालने के बाद रेडी हो जाएगा मेरा सांभर। बट इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो है धनिया का पत्ता। अभी धनिया का पत्ता डाल के एक बार मैं इसे मिक्स कर दूँगी और ये अब प्रॉपरली रेडी हो गया मेरा सांभर। आप इसको ट्राई करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मैं मिलती हूँ आपको नई रेसिपी के साथ। बाय बाय गाइज़।